तो दोस्तों इस वक्त जिस स्नेक को आप अपनी फ्रेम पर देख रहे हैं, जो फ्रेम से थोड़ा सा दूर हो चुका है, ये है रसल स्वाइपर। जनरली लोग इसे रसल वाइपर कहते हैं, इसलिए कई बार होता है कि जब इसका एक्चुअल नाम लिया जाता है तो लोग काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं कि गलत कहा जा रहा है। और आप देख रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ ये बढ़ रहा है और काफ़ी फुर्ती दिखा रहा है। जनरली रसल वाइपर इतने तेज़ होते नहीं है। रसल स्वाइपर को कई बार लोग ये कहते हैं कि ये उन चुनिंदा उन सांपों में से जो काफ़ी ज़्यादा स्लो होते हैं, लेकिन अगर आप इसकी फुर्ती देखें तो देखते ही बनता है कि ये जो हैं कितनी तेज़ी से अटैक कर सकते हैं। और इसीलिए ही कहा जाता है कि रसल वाइपर को ऐसा सांप कहा जाता है कि जो अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। आप इनके बिहेवियर को जज नहीं कर सकते, आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये कब किस मूड में होगा। जिस जगह से हमने रेस्क्यू किया दोस्तों, वहाँ ज़रा सी परेशानी हमने देखी। परेशानी सांप की तरफ से नहीं थी, परेशानी जो थी वो वहाँ मौजूद लोग थे। और उनमें से जो ऑनलुकर्स होते हैं, उनकी सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि वो जो रेस्क्यू करने आते हैं उनको आराम से रेस्क्यू नहीं करने देते और कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। हालांकि हम क्राउड मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन आज जो समस्या थी वो ये थी कि कुछ ऑनलुकर्स जो थे वो हमें डराने का प्रयास कर रहे थे। जिस समय हम रेस्क्यू कर रहे थे उस दौरान वो हुश, मतलब आप ये समझ जाएं कि वो अचानक से कुछ ऐसी आवाज़ें निकाल रहे थे जिससे हम थोड़े से हम कहें हमारा कॉन्सेंट्रेशन जो था वो ब्रेक हो रहा था। तो दोस्तों, कभी भी आप किसी रेस्क्यूअर को बुलाते हैं तो उन्हें उनके हिसाब से काम करने दें, इस तरह से हुश करके उन्हें डराने का प्रयास ना करें। ज़्यादा जानकारी के लिए दोस्तों आप सब्सक्राइब करें टीम एजियन प्रकृति और हम। जय हिंद, वंदे मातरम।